इस वीडियो में देखेंगे कोई भी रंबोस कैसे ड्रॉ करना पड़ता है अगर कुछ साइड दे दे तो। हम लोगों को पता है कि रंबोस का क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। सो बी ई दे दिया, बी ई दे दिया 4.5 और हम फर्स्ट रफली ड्रॉ कर लेंगे। इससे बहुत आसान हो जाएगा कि ई टी कौन सी डायगोनल होगा। इसको समझने के लिए ऑब्वियसली रफली ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करने के टाइम पे ऑब्वियसली रफली ड्रॉ कर लेना। ओके, अब रफली ड्रॉ कर लिया और हमें पता है कि रंबोस का सब साइड इक्वल है, तो इसलिए अब 4.5 लेके ड्रॉ करेंगे सब साइड। और जिस डायगोनल का लेंथ 6 है वो डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। अब टी पॉइंट से एक डायगोनल ड्रॉ कर, एक आर्क ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर लेंथ लेके। अब एस पॉइंट से 4.5 लेंथ लेके और एक आर्क ड्रॉ करना है। कर लिया एक आर्क। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट के साथ एस को कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से सेम लेंथ लेके 4.5 लेंथ लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे और टी से 4.5 लेंथ लेके और एक आर्क ड्रॉ कर लिया। ओके, अब ये सब पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तभी मिल जाएगा रंबोस बेस्ट, बी ई एस टी। ये रंबोस हम लोगों को मिल जाएगा। सो अब मैच करते हैं, बी और टी को कनेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से। बी टी को कनेक्ट कर लिया, ई एस को कनेक्ट करना है। ऑब्वियसली रफली ड्रॉ कर लेना, देन तुम लोगों को पता चलेगा कि कौन सी डायगोनल का लेंथ दे दिया और कौन सी साइड का लेंथ दे दिया, ऊपर का, नीच का, और कोई भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ड्रॉ करने के टाइम पे कोई भी अगर शेप ड्रॉ करते दे तो। ये तो आसान था ये, क्योंकि सब साइड इक्वल है, 4.5 सेंटीमीटर है, समझना भी बहुत आसान था। इसमें जस्ट कौन सी डायगोनल दे दिया वो निकालना था, इसलिए रफली ड्रॉ कर लिया। पर सब कोई रफली ड्रॉ करना चाहिए, जो भी दे दें, जो भी ज्योमेट्री ड्रॉ करने दे। ओके, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड।